हेलो एवरीवन, आप यहाँ पे आए हो? ऑफ कोर्स आप मीम देखने आए हैं ना। चलो हम लोग शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट मीम, मी एंड माय फ्रेंड इनसाइड स्कूल लुकिंग एट कपल्स। ये क्या हो रहा है? हम लोग स्कूल में, हम लोग को अभी तक खाना खाने अच्छे से नहीं आया, हम लोग को अभी भी आजकल कभी कभी मम्मी खिलाती है, और ये क्या, ये कपल्स भी घूम रहे हैं। अरे वाह, ये तो मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था, ये क्या हो रहा है? नहीं यार, देख के अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट मीम, The barber adding gel and putting his soul into styling my hair. Me who's gonna take a shower the moment I come back home. बेचारा barber, उसने इतनी मेहनत की मेरे बाल पे, एकदम जेल लगाया, एकदम पूरा शक किया, एकदम मॉडल से कम नहीं लग रहा हूँ मैं, लेकिन घर आके तो ऑफकोर्स सारी मेहनत बर्बाद होने वाली है, कुछ फ़ायदा नहीं है सब करने का। बेचारा barber कितना खुश हो रहा है कि मैंने इतना अच्छा बाल बनाया, लेकिन Bruh. Next meme. When you sleep early and leave whole syllabus to study in the morning, but you wake up 5 minutes before the exam. कितना बुरा लगता है ना, हम लोग कुछ नहीं पढ़े, रात को सब हमने डिसाइड कर लिया है कि कल सुबह उठ के पढ़ेंगे, 7 बजे हम लोग को कॉलेज पहुँचना है, आजकल बहुत जल्दी पहुँचना है, हम लोग 5 बजे उठ के सब पढ़ लेंगे, कुछ नहीं होने वाला, हम लोग उठते ही 6:30 को है, क्या होगा अब हमारा? क्या पढ़े? कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ आता नहीं है, और दोस्त लोग को तो, जिनको सब आता है, वो तो कभी अपना दिखाएंगे नहीं पेपर, तो क्या होगा मेरा? उठते साथ एक ही शब्द, मैं क्यों ऐसा किया, मैंने, मैं सो गया और अब उठा ही नहीं, और अब इतना रोना आ रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग तो एटलीस्ट नेक्स्ट वीक देख सकते हैं। चलो मेरे साथ, लेडी गागा। ओके, ये कैट वाला मीम, लेडी गागा गर्ल और कैट लागा द्यागा। वैसे दोनों गलत नहीं है, और कैट तो बिल्कुल कभी गलत होता नहीं है, कैट जो बोलता है गर्ल उसको कभी फॉलो करती नहीं है, बेस्ट मीम मटेरियल आई थिंक सो। नेक्स्ट मीम, निब्बा एट 12 AM, बाबू। ब्रो क्या है ये, कितनी पचकानी हरकत है, बहुत लोनली फील कर रहे हो, हमेशा गर्लफ्रेंड को तंग करते रहो, हमारी गर्लफ्रेंड है मानता हूँ, लेकिन वो भी तो टाइम पास नहीं करती तुम्हारे जैसा, वो सो रही थी बेचारी, तुम कॉल करके और उसे तंग कर रहे हो, बेचारी वो तुम्हें प्यार करती है ना, क्या करे, उसे भी जवाब देना पड़ता है। हाँ बाबू, अब मुझे तुम्हारा पता नहीं कैसे निब्बा निब्बी हो तुम लोग, जैसे भी रहो, आई फील सो बैड लिसनिंग ऑल दिस, ब्रो सो स्टूपिड। What do you think? आपको क्या लगता है, कैसा लगता है, आप करते हो ऐसा? मतलब करोगे तो आपको जज नहीं करूँगा, अगर कमेंट करके बताते हो तो आई रिस्पेक्ट योर ऑनेस्टी। चलो आगे चलते हैं। मी ब्लैंकेट और फैन दोनों साथ में, ये तो मैं ही हूँ, आप हो ऐसे तो मुझे बताओ, फैन तेज रहता है और साथ ही ब्लैंकेट भी हम लोग को चाहिए, सिर्फ ब्लैंकेट सिर्फ फैन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दोनों साथ में होने चाहिए। नेक्स्ट मीम, चलो, When I found out who was spending all my money, finally, अब मैंने उसे ढूंढ लिया जो मेरे, अरे मैं इतनी मेहनत से पैसे जमा करता हूँ, कैसे खर्चे जाते हैं, कौन करता है, पता चल गया वो ये है, मैं खुद हूँ। और कौन हो सकता है? So relatable meme. चलो हम लोग आगे चलते हैं, ये तो सबके साथ है। आगे जाने से पहले, as I didn't introduce myself, मेरा नाम है ऑल्डन ओरा, अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हो और यहाँ तक देख चुके हो, कम ऑन फ्रेंड, सब्सक्राइब मी, हेल्प मी टू ग्रो माई चैनल, आप ही ये कर सकते हो, मैं क्या करूँ, मैं अकेले तो अपने YouTube चैनल को ओपन नहीं पहुँचा सकता ना, आपकी मदद चाहिए। हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप देख रहे हो ना मेरी आंखों में, देखो, हेल्प मी गाइज प्लीज़। और चलो आगे, मिस्टेक्स मेक यू स्ट्रॉन्गर, मी आफ्टर फिनिशिंग माई मैथ्स एग्जाम। देखा, मैं दुनिया क्या बोल रहा हूँ, पूरे यूनिवर्स मल्टीवर्स जो कह रहा, सबसे स्ट्रांगेस्ट मैं हूँ, कैसे, अभी मैथ का एग्जाम दिया है, मिस्टेक तो मैंने हर एक क्वेश्चन में किया, हर एक क्वेश्चन में स्ट्रांग बनता गया, अब देखो अब मैं क्या हो गया हूँ, अब मैं सबसे स्ट्रांग हो गया। ब्रो लेकिन ये फिक को भी ध्यान से देखो, इसका चेहरा उतना ही है, इसका मतलब इसका दिमाग उतना ही है, ब्रो स्ट्रांग बनने से हम लोग कुछ नहीं होगा, दिमाग को स्ट्रांग करना है, करते रहो और प्रैक्टिस, आई बिलीव इन यू, आप बहुत आगे जाओगे। और अभी हम लोग आगे चलते हैं मीम में। रोल नंबर 1 आफ्टर हिज और हर वाइवा,
हम लोग सब ऐसे ही तो करते थे, याद है मुझे आज भी 12th का प्रैक्टिकल रोल नंबर 1 आया, सब उसके आजू बाजू इधर उधर, पता क्या क्वेश्चन पूछा था, जल्दी एक एक क्वेश्चन बताना चाहिए। सबसे पहले बेचारे को सांस लेने दो, जंग लड़ के आया, मर के आया, वो भी जिंदा सही सलामत वन पीस। चेहरा देखो इस कैट को ही, इसका चेहरा दिख रहा है कैसी हालत में है वो। लेकिन हम लोग को उससे क्या मतलब, हमें क्वेश्चन चाहिए, हमें पास होना है, हमें उससे भी ज़्यादा मार्क्स चाहिए, तो हमें सारे क्वेश्चन की ज़रूरत है, बताओ। और सब एक साथ अलग अलग अपने आवाज़ में सब बोलते जा रहे, इसको कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, लेकिन विचार सांस लेके बता देता है, अच्छा आदमी है ना रोल नंबर 1। आप रोल नंबर 1 हो तो मुझे बताना कमेंट करके नीचे। अनलकी तो हो यार। कुछ नहीं, अब क्या करें, आगे चलते हैं। भाई वो तेरा पोस्ट ऑफिस खुला है। ब्रो तुम मुझसे पूछो ना 2021 का नॉटीएस्ट पिक। ये आदमी का चेहरा दिख रहा है। ये सबसे आज तक मैं कितने भी पिक देख लो, अब आगे इससे ज़्यादा फनी पिक मुझे आज तक कभी दिखा ही नहीं, और इसमें सब मीम बैठ जाता है। एनीवे आपका ये मीम पे क्या ख्याल है मुझे बताना, और इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ यहीं पर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसी और वीडियो देखते रहना, तो अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए वो बेल आइकन कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आपको पहले ही पता चल जाएगा ये ऑलनोर ने एक वीडियो अपलोड किया है। पसंद नहीं है, हेल्प करना, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।